पन्ना जिले के पवई में विद्यासागर गौ रक्षा सेवा एवं संवर्धन समिति द्वारा संचालित गौ सेवा सदन का भ्रमण करने के लिए उत्तराखंड से सीनियर डिप्टी डायरेक्टर अदिति शर्मा अपनी टीम के साथ यहां पहुंची। पशुओं की व्यवस्थाएं देखकर गदगद हुई एवं उप संचालक ने मीडिया को बताया कि जिस तरह से यहां पर पशुओं की सेवाओं के लिए यहां के प्रबंधन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वह उन्होंने पहली बार यहां पर देखी है। आपको बता दें कि उनको गौशाला में प्रबंधन द्वारा 5,000 से अधिक निशक्त बुजुर्ग तथा दुर्घटनाग्रस्त पशुओं की सेवाएं की जा रही है। चिकित्सा सुविधा के लिए यहाँ पशुओं की सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई हैं। विद्यासागर गौ रक्षा समिति में अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूँ और गौ सेवा के मैं समर्पण हूँ। मुझे जब तक मेरा जीवन है मुझे गौ सेवा से बहुत प्यार है और करता हूँ और करता रहूँगा। यहाँ पर 5,000 से 6,000 गाय है जिनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था में 24 घंटे ही इसमें प्रयासरत रहता हूँ। धन्यवाद। बाद में यहाँ गौशाला में आई थी श्री विद्यासागर गौ रक्षा समिति की जो गौशाला है, और मैं इसीलिए आई थी क्योंकि मैंने जब सुना कि इतनी बड़ी गौशाला कहीं बनी हुई है तो मैं उसको देखना चाहती थी। वैसे तो मैं वन्य जीवों के लिए काम करती हूँ, वाइल्ड लाइफ में काम करती हूँ, लेकिन क्योंकि जो डोमेस्टिक एनिमल हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं सबका स्वास्थ्य आपस में जुड़ा रहता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, तो इसलिए मैं देखने के लिए आई थी। और एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने यहाँ पे आज देखी वो है जो इनकी एम्बुलेंस है, एक मोबाइल इनके पास एम्बुलेंस है जिसमें अगर कहीं से इनके पास खबर आती है कि कोई गाय जो है स्ट्रे एनिमल कोई इंजर्ड है या उपचार की जरूरत है तो उसको लेके आते हैं। वो पूरा मैंने खुलवाकर और कैसे चलती है कैसे ऑपरेट करती है देखा, तो ये बहुत ही अच्छी है। हाइड्रोलिक है, उसमें केज है बकायदा, तो इससे जब हम किसी गौवंश को लाएंगे उपचार के लिए तो उसे किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और कम लोगों की आवश्यकता होगी। तो ये मैंने अभी किसी और राज्य में तो नहीं देखी है ऐसी, तो मुझे लगता है कि अगर इसके बारे में थोड़ा सा प्रचार किया जाना चाहिए जिससे और जगह पे भी लोग इस तरीके की मोबाइल वैन या एम्बुलेंस ला सकें और गौवंश के इसमें फायदा ही होगा क्योंकि इंजरी नहीं होगी। और इतनी बड़ी गौशाला मैनेज करना भी आसान काम नहीं है।